बुला तो लोअर लेवल पे माइंड भी है ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको रेड लेकर चल रहे हैं क्योंकि मार्जिन खराब, मार्जिन आया इसका 12.2% वर्सेस 13.4%। और मार्जिन में एक चीज और आपको बोलूं, कमोडिटी प्राइसेस अब आगे और बढ़ी रहे, सबसे ज्यादा गाड़ियों में क्या यूज होता है, मेटल, भाई गाड़ी बनती है मेटल की है, तो इसके लिए और कमोडिटी प्राइसेस और बढ़ रहे हैं तो मार्जिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक तो काफी चल चुका है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ फिर से, फ्राइडे को स्टॉक वीक था पर आज अगर वीक खुला तो लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग आई यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए हम इसको रेड लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो डार्क ग्रीन रहेगा ना स्टॉक वो होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अब उसी फेज में है, ये हम तीन चार बार पहले ही बोल चुके हैं, जिस फेज में 2 साल पहले इंडसइंड बैंक था, काफी करेक्ट हो चुका स्टॉक, लोअर लेवल नहीं तोड़ रहा है। यह स्टॉक खराब से खराब खबर में 240 नहीं तोड़ता है, आपने नोटिस करा होगा 240 के नीचे नहीं जाता, बंधन 180 के नीचे नहीं जाता, ऐसे आरबीएल बैंक 240 के नीचे नहीं जाता है ठीक है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर दो तीन ब्रोकरेज का मैं टारगेट देख रहा था, मोतिया ओसवाल का 280 का टारगेट है, जेपी मॉर्गन का 270 का टारगेट है, प्रॉफिट अनुमान से बेटर है, इसके लिए इसको हम एक ग्रीन लेके चल रहे हैं। और एसबीआई लाइफ ग्रीन लेके चल रहा हूँ मैं, रेड लिख दिया है, ग्रीन है ये, इसको प्लीज चेंज करिएगा। एसबीआई लाइफ को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो एसबीआई लाइफ के नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं, और स्टॉक फ्राइडे को डील ओवर बंद हुआ है, पिछले एक महीने में स्टॉक गिर चुका है काफी अच्छा खासा, यहाँ पर शॉर्ट कवर होने के अच्छे खासे इंडिकेशन हैं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बीएनबी मार्जिन पे इम्पैक्ट ज्यादा आया है, लेकिन बिग पिक्चर में क्योंकि मेरा इंश्योरेंस स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू है, मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ एसबीआई लाइफ। बहुत बढ़िया, ये सारे हैं आज के।